गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी को फिर से याद दिलाने के लिए कि इस साल 2022 में कौन कौन से रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, एस्टिमेटेड या रफली एक्सपेक्टेड उनके नोटिफिकेशंस के टाइमिंग क्या रहेंगे, जिससे कि ये चीज़ें आप लोगों को मोटिवेशन दें और आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाएं कि भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें तो इस साल बैंक में फाइनल जॉब सिक्योर करने का हमारा सपना जरूर जरूर पूरा हो सकता है। तो बारी बारी से सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले आएंगे उनके बारे में पहले बात कर लेंगे, और जो एंड तक आएंगे उनके अकॉर्डिंगली ऑर्डर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। लास्ट ईयर अगर अपने वैकेंसी या फिर लास्ट टाइम पे जो रिक्रूटमेंट आया था 2019 का, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 926 वैकेंसीज। तो इस बार भी अपने यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 900 वैकेंसीज हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन है इस फरवरी के मंथ में ही और अर्ली फरवरी मतलब फरवरी के पहले हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन ऑलरेडी आई एम होपिंग कि आप सभी ने स्टार्ट कर दियो। ऑल दो कट ऑफ हाई रहती है, बट एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है जिसको इवन वर्किंग पीओ भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पीओ हैं और टारगेट करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। एक्सपेक्टेड 900 वैकेंसीज कर रहे हैं अराउंड इसके, बाकी प्लस माइनस जब नोटिफिकेशन आएगा उसका आइडिया तब लग पाएगा। फरवरी के पहले हाफ में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। आई एम होपिंग कि आप सभी फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी अपडेट्स मिल जाया करेंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन। एस्टिमेटेड ये बताया जा रहा है कि प्री का एग्जाम जुलाई के अराउंड रहेगा, तो उससे अगर अपने रफ एस्टिमेट ले तो अप्रैल एंड पे या फिर अर्ली मई में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब पिछले साल जो वैकेंसीज आई थी वो काफी कम थी, 5235 या 40 के अराउंड ही वैकेंसीज थी। सो वी आर होपिंग कि यार इस बार पुराने सालों का जैसे ट्रेंड रहा करता था कि 6-7-8 हज़ार वैकेंसीज, उस तरह से वैकेंसीज आए, बट नहीं भी आती है तो 5000-5500 इसके अराउंड वैकेंसीज तो जरूर रहेंगी। अगर थोड़ा बेटर रहा तो हो सकता है आपको 7-8 हज़ार के अराउंड वैकेंसीज देखने को मिले। तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट का जो लेवल है काफी सिमिलर रहता है। ठीक है जी। देन इसके बाद एसबीआई पीओ के लिए काफी बच्चे इंतजार करते हैं। जितने भी बच्चे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनका जो फाइनल गोल जनरली रहता है एसबीआई पीओ का जॉब। तो इसका जो रिक्रूटमेंट है पिछले 2 सालों से थोड़ा लेट आ रहा है। पिछले साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल लेट हुआ। और पिछले साल आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था 4 अक्टूबर के अराउंड, तो इस बार भी अगर पिछले बार के अराउंड ही माने तो सितंबर अक्टूबर के अराउंड नोटिफिकेशन आ सकता है। ऑल्दो इसके बारे में कोई क्लियर डिटेल्स नहीं है, अभी तक कोई प्लानिंग हुई नहीं है, बट पिछले साल के अकॉर्डिंग या पिछले कुछ सालों से, लास्ट 2 ईयर से जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जाए तो सितंबर अक्टूबर के अराउंड आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 2000 वैकेंसी सेट रहती है, वही वैकेंसीज आपकी आएंगी। देन इसके बाद हमारा आईबीपीएस का कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट है, आपको डेट्स पता है सभी एग्जाम्स की। तो सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबीज की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है अगस्त के पहले हाफ में या अगस्त के सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, मोस्ट प्रोबेबली शायद सेकेंड वीक में ही आपका काफी एग्जाम कंप्लीट हो रहा है प्री का। तो उससे अगर गैप लिया जाए तो अराउंड सेकेंड वीक ऑफ जून नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जनरली ये कैसे निकाली गई है डेट, और पिछले 3 साल के जो नोटिफिकेशन अगर आप देखें और उनका गैप देखें तो रफली इतना ही आता है कि सेकेंड वीक ऑफ जून के अराउंड आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बोथ फॉर पीओ एंड क्लर्क एक साथ रिलीज किया जाता है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक क्लियर नहीं है। पिछली बार जब रिक्रूटमेंट आया था 2021 में 12,000 से प्लस वैकेंसीज थी दोनों को मिला के, तो इस साल भी इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। देन आईबीपीएस क्लर्क पे आ जाते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2022 का जो रिक्रूटमेंट है ये भी जून में, बट अर्ली जून में नहीं, ये अराउंड एंड ऑफ जून या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। पिछले साल आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 2021 की, अभी तक पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो फाइनल वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क की आएंगी अलॉटमेंट के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद, वो 9,000 के अराउंड हो सकती है, 8,500-9,000 के अराउंड हो सकती है। तो इतना एक्सपेक्ट हम इस साल भी कर सकते हैं। अब आईबीपीएस पीओ का बात किया जाए तो आईबीपीएस पीओ आपका इन आईबीपीएस के कैलेंडर में सबसे आखिरी में एग्जाम होना है, तो इसका नोटिफिकेशन भी सबसे एंड में आएगा। नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
अराउंड फोर्थ वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के एंड में, या फिर हो सकता है इवन थर्ड वीक ऑफ अगस्त भी रिलीज कर दिया जाए, थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, बट अगस्त में एक्सपेक्टेड है और लेटर हाफ में ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो इस बार ठीक वैकेंसीज थी, ऑलरेडी काफी वैकेंसीज ऐड कर दी गई है और फाइनल अलॉटमेंट के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 6,500 से 7,000 तक आपको टोटल वैकेंसीज 2021 के रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगी। तो यही एक्सपेक्टेशन अगर हम 2022 से लें तो 6,000 से 6,500 आपको 2022 में भी वैकेंसीज मिलेगी। तो ये हो गए आपके मेजर मेजर नोटिफिकेशन। अब इसके अलावा छोटे मोटे नोटिफिकेशंस या फिर जो कंसिस्टेंटली नहीं आते, जैसे कि आपके इंश्योरेंस सेक्टर से बात करें तो एलआईसी की, एलआईसी के बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका जो प्लानिंग जो रहता है, मैनेजमेंट का जो पूरा रवैया रहता है वो काफी कैजुअल रहता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो एग्जैक्टली बताना कि कब, क्योंकि पिछले साल भी एक्सपेक्टेड था कि भाई डब्ल्यू की वैकेंसीज या असिस्टेंट की वैकेंसीज आएगी, अभी तक नहीं आई। इस साल फिर से एक्सपेक्टेशंस यही आ रही है, अगर आप किसी भी वर्किंग एलआईसी कैंडिडेट से पूछें तो वो यही बोलेंगे कि यार एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, बट हम भी इस साल ही उम्मीद कर रहे हैं और बातें भी यही हो रही है कि इस साल रिक्रूटमेंट आएगा, असिस्टेंट का भी आएगा, डब्ल्यू का भी आएगा, लेट्स सी क्या होता है। अगर आता है तो हमारे लिए बोनस हो जाएगा, तो फिर से हम एक्सपेक्ट करेंगे। और एलआईसी में वैकेंसी जब भी रिलीज होती है, अच्छी वैकेंसीज रिलीज होती है जनरली असिस्टेंट के अंदर, तो क्या होता है क्या नहीं होता वो टाइम ही बताएगा। बट बाकी जो मैंने टोटल आपको 6 रिक्रूटमेंट्स बताए हैं वो श्योर शॉर्ट हैं, ये जरूर जरूर आएंगे, अच्छी वैकेंसीज है, 6 मौके आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ईएसआईसी की बात करें तो ईएसआईसी यूडीसी का एग्जाम है, 7वां मौका ये, ईएसआईसी डब्ल्यूएसओ का एग्जाम आएगा, 8वां मौका। तो टोटल 8 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी अपने करियर को सेट करने की, अब आप पे है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। ऐसे ही कैजुअली 2021 जैसे 2022 निकलने देते हैं या फिर अपने अंदर फाइनली वो चेंज करते हैं जो आपको एक फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट बनाता है। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, सीरियस है अपने करियर को लेके, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, क्लासेस अटेंड करना, मॉक्स देना, उसका प्रॉपर एनालिसिस, हमेशा इंप्रूव करते रहना, जो सबसे की कंपोनेंट रहता है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का, कि वो कभी इंप्रूव करना रुकता नहीं है, हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि कल से आज मैं बेहतर हूं, आज से अगले दिन बेहतर और अगले दिन उससे बेहतर। तो यही कोशिश आपकी भी रहनी चाहिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, प्री और मेंस दोनों के लिए अभी फ्री कोर्सेज चल रहे हैं करंटली, तो वो क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं। एक बार चैनल विजिट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ और अच्छे से सारी अपडेट्स पीडीएफ्स अगर आप अक्वायर करना चाहते हैं, जो जो मैं पीडीएफ्स देता हूँ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअस। और बाकी जो मेरे मॉक टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के सजेशन है मैंने नीचे दे रखे हैं, मॉक टेस्ट के लिए गाइडली का और करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन, दोनों पे कोड भी है, डिस्काउंट कोड वर्चुअस है, लगाएंगे तो एक सर्टेन डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे लिंक्स जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।